जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो दोस्तों आज का कुछ सीन इस तरह का है कि आज थोड़ा सा मसला वगैरह बन गया, वो आपको चल के दिखाता हूँ। मसला वगैरह तो नहीं बना लेकिन एक मुझे लगता है इस तरह का है दोस्तों। इस साइड पे जो है ना डक्स ने काफ़ी ज़रा शोर डाला हुआ है, ये देखें। हाँ भाई, ये मारने के लिए भी आती हैं मुझे, या इनको भूख लगी हुई है। इनके लिए कल पानी का फुल बर्तन रखा था वो उस साइड पर, मैं सोच रहा हूँ अब इनके लिए नया और पानी रखूँ कि ना रखूँ। फुल ये आधा बर्तन हो गया, बठल हमने पानी का कल भर के फुल करके ना इधर रख दिया था। ये काफ़ी ज़रा शोर डाल रही हैं, अभी मैं इनको देखने के लिए आया हूँ। हाँ भाई, डरती भी नहीं है इनको लगी हुई, इनको काफ़ी ज़रा भूख लगी हुई है मुझे इस तरह से लग रहा है। तो इनको कुछ ना कुछ डालता हूँ फिलहाल के लिए। अंदर जाती हैं, नहाती हैं अपनी मर्ज़ी से। तो ये पानी बहुत ज़्यादा गंदा हो गया, अब मैं और पानी डालूँगा बाद में, लेकिन अब इसे मैं गिरा देता हूँ। सुबह से पड़ा हुआ है, ये पानी ज़्यादा डालेंगे भाई, बहुत ही ज़्यादा गंदा है। ये लो भाई, चलो भाई यहाँ की जो जगह है ठंडी भी हो जाएगी। ये देखें कितनी ज़्यादा गंदगी थी अंदर। सभी चीज़ों के ना दाने का टाइम हो गया, अब इन सबको ना बाहर निकाल के दाना वगैरह डालते हैं। इन सबको भी निकाल लेते हैं बाहर अंदर। यार एक चूजे का मसला वगैरह बना हुआ, ये देखें टांग का थोड़ा सा मसला है, ये ठीक हो जाए बस। माशाल्लाह से कितने कितने बड़े हो चुके हैं देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, चेक करें। तो अब पंखा ऊपर से चल रहा है हमारा, तो इसी वजह से ना रिलैक्स है। तो इन सबको मैं जो है ना दाना वगैरह रखता हूँ, क्योंकि दाने का टाइम हो गया। फिलहाल सभी को दाना वगैरह डालते हैं दोस्तों। दाना वगैरह तो रेडी कर लिया, अब बस डालने वाला रह गया, फिलहाल डालें जल्दी से। कोई ये क्या इसमें सख्त हुआ पड़ा काफ़ी ज़्यादा, तो जल्दी से हाँ जल्दी से डालते हैं, काम ख़त्म करते हैं। अभी जो है ना पानी इसे थोड़ा सा धोया, बाजरा जो है उसके अंदर थोड़ी सी फीड वगैरह मिक्स की है, क्योंकि अभी ये चूजे जो है छोटे हैं। बड़े जो है ना हमारे मुर्गे वगैरह, उनको तो सिर्फ और सिर्फ बाजरा ही डालता हूँ और कुछ भी नहीं। आबाशे थोड़ा अपने लिए भी रख लो खाने के। क्या कह रहा है? थोड़ा मैंने कहा अपने खाने के लिए भी रख लें। डाल दे कोई बात नहीं। बस बहुत है इतना खा लेना। तो इतना दाना अंदर छोटे चीज़ें जो हैं इतना दाना काफ़ी है होट दाने। तो तूने नहीं खाना? तू खा के चेक कर, अगर ये तूने खा लिया तो ये ना 1000 रुपये इनाम दूँ। नहीं नहीं भाई, 1000 नहीं, ज़्यादा दे। 2000 भी नहीं, 5000 रुपये। 5000 भी नहीं, ये खा के चेक करा, चेक तो कर। बस एक मुट्ठी खानी इतनी सी। एक मुट्ठी? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं खा लूँ। तू खा, तुझे 50000 दूंगा। खा दे 50000, पहले खा के दिखा। 50000 पहले खा के दिखा। देगा 50000? अभी नोट 50 रुपए नहीं, जेब से निकलेंगे। नहीं 50 रुपए कहाँ, ये देख इधर चेक कर तू, ले 50 रुपए। दोस्तों ये जो दाना मैंने उठाया अंदर रख देते हैं, क्योंकि बाहर लड़ाई वगैरह हो गई, बड़े वाले चूजे बाहर खा रहे हैं ना, इस वजह से। अब माशाल्लाह से हमारे ये छोटे छोटे से थे कितने कितने बड़े हो चुके हैं, ये अंदर वाले चूजों को रख ले देते हैं। टूट पड़े हैं इस टाइप पे एकदम से, भाई साहब इस तरह से खा रहे हैं भाई साहब, काम ख़त्म हो गया हमारा। दोस्तों ये दाना मैंने बना लिया थोड़ा सा, अब ये हम डक्स के लिए भी रखेंगे और मुर्गों के लिए भी। तो पानी जो है निकाल देते हैं बाहर। अच्छा जो हल्का फुल्का दाना जो गिरा है ना वो कबूतर हमारे खाएंगे उस साइड पे, देखें। अब ये दाना मैं उधर उस साइड पे जो हमारे मुर्गा और मुर्गी बांधता है ना उनके लिए रखता हूँ, डक्स भी साथ में खाएंगे। मेरे हाथ से भी खाएंगे यार, ये देखिए यार कितनी प्यारी लग रही है यार, करीब से दिखा। अभी फिलहाल इनके लिए इसलिए नहीं रख रहा क्योंकि ये इनको मारती हैं, ये मुर्गा और मुर्गा जो है ना डक को मारती हैं, जिसके मारते हैं तो इस वजह से इनको खाने नहीं देते। पेट से दाना वगैरह खा रहे हैं, कल ये खाने फिर इसको डाल दें। विधान हाँ ठीक डाल है, ठीक डाल है।
रख दूं साथ में। नहीं नहीं चेक तो कर कितनी स्पीड है इनकी। पहले ये पेट भर के दोस्तों दाना वगैरह खा ले, माशा अल्लाह बहुत ज्यादा क्यूट लग रहे हैं यार। यार ओए स्पीड तो है भाई साहब, पेट है ना फिजान, दो मंत्री की स्पीड है। जितना इनको पेट भर के एक बार खा ले फिर उनके लिए रख देंगे पानी। उधर मैंने मुर्गों के लिए और मुर्गा और मुर्गी के लिए कितना गंदा कर दिया। इधर से पानी वाला बटल जो है ना वो भी इन्हें उठा लिया, वो नीचे ले जाकर जाकर पानी पी गए। पानी साथ में पीते हैं और साथ में दाना वगैरह खाते हैं। अब ये दाना वगैरह खा रहे हैं ना वो साथ में पानी वगैरह पियेंगे। वो पानी गया। क्यूट हैं यार, इनके लिए बड़ा सा पूल वगैरह बनाएं या वो बटल ही ठीक है हैं इनके लिए। हाँ स्विमिंग पूल बनाते हैं इनके लिए। स्विमिंग पूल ले आते हैं बाजार से, एक है ना ट्यूब वाला जो है ना मिल जाता है, मिल जाता है, मिल जाता वो ले आएंगे, नहीं तो फिर देखेंगे क्या करना है। लेकिन बट्ठल तो है काफ़ी बड़ा, चारों उनमें ये जो चारों हमारी डक्स हैं ना उस छोटे से बट्ठल में आ जाती हैं। दोस्तों हमारा ये रेसर कबूतर जो है, अब मैं इसके पर दिखाता हूँ। हमने कुछ दिन पहले ना इस कबूतर के जो है ना पर खींच दिए थे, तो चेक करें माशाल्लाह से। अब पर चेक करें आप, अब पर आ गए नहीं पा रहे हैं, तो इस साइड से भी दिखाता हूँ। ये देखें माशाल्लाह से, अब जो भाई काफ़ी हैवी किस्म का, इसने अपना काफ़ी ज़रा जो वज़न है ना काफ़ी ज़रा बढ़ा लिया अपने, काफ़ी ज़रा खाता है अभी भी, इसका काफ़ी ज़रा पेट फूल है। तो इसके साथ हम जो फीमेल लेके आए थे वो करीब ला के दिखा, ये है हाई फ्लाई, ये जो फीमेल है ना दोस्तों, ये फीमेल जो है ये हाई फ्लाई पिजन्स है, जो आसमानी कबूतर जिसे कहते हैं, ये आसमानी पिजन्स है फीमेल है। और ये है रेसर, तो मैचिंग वगैरह नहीं हुई थी, ये फिर ये ब्लैक है और वो फुल वाइट है। बच्चे पता नहीं किस तरह के निकलेंगे, फिलहाल मैं सोच रहा हूँ इंशाल्लाह से दो या तीन, अब ये 16 प्लेट्स लग गए हैं, इधर छाँव बन जाती है ना, ये इधर आ जाती है। अब धूप इतनी ज़्यादा नहीं होती, इस साइड पर जो है ना केज वगैरह बनाएंगे बड़ा सा कबूतरों के लिए। अब बस बहुत जल्द में ना कबूतरों के लिए केज वगैरह बनाने लगो इंशाल्लाह से थोड़े दिनों तक, केज वगैरह बन जाएगा। अब धूप का कोई मसला नहीं है, कबूतरों को इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं लगती। तो बस ईंटे वगैरह भी ले आए हैं, दिखाता हूँ भाई ईंटे कहाँ, वो ये तो चोरी की ईंटें लग रही है। अरे चोरी की है और क्या, तो जो है ना ईंटे वगैरह भी मैं ले आया हूँ। तो बस अब इसके माशाल्लाह से पर वगैरह भी आ गए हैं यार, अब मैं आपको इसको उड़ा के भी दिखाता हूँ। इधर इधर और ये गया, ले उड़ गया उड़ गया उड़ गया। अब इससे ना उड़ा भी नहीं जाता क्योंकि इसने काफ़ी ज़रा इसने अपना वजन को काफ़ी ज़रा बढ़ा लिया। अब बेचारा ये है ना मोटा हो गया काफ़ी ज़्यादा, जैसे मोटा आदमी भाग नहीं सकता ना, ये मोटा कबूतर उड़ नहीं सकता, ये मसला। मैंने उड़ाया ना, बाकी उस कबूतर को मैं देखूँगा, इसको मैंने आसानी से पकड़ लिया, इसको कुछ तो आसानी से पकड़ लिया और वाइट वाला उसको मैं पकड़ने लगूँगा ना जो साथ में है वो नहीं पकड़ा जाएगा। पकड़ पकड़ ये उड़ता नहीं है, ये आसानी से पकड़ा जाता है वो दूसरे वाला। अब मैं इसको उड़ा के फिर से दिखाता हूँ। बस यही है यार फिजान, क्या करें बता हैं, तू बस इस तरह किया कर यार। जब नहीं उड़ा तो मैच उड़ा दो छी छी करके, इसका वजन बढ़ गया। अब हमारे पास भी जो है मोटापे का शिकार एक कबूतर है, क्या करें। आज तक हमने एक कबूतर भी नया नहीं पकड़ा, उड़ा उड़ा के थक गए हैं कबूतर, बस पकड़ेंगे। अब कबूतर हमारे पास काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे भाई थोड़े दिनों तक। अब केज वगैरह बना लूँ, केज वगैरह रेडी कर लूँ फिर। इस मुर्गे ने पेट भर के दाना खा लिया, डक्स ने भी दाना वगैरह खा लिया, उस साइड पे चली गई। अभी फिलहाल इधर रिलैक्स कर रही थी मैं, अभी मैं आया हूँ तो उस साइड पे चली गई हैं। तो इस मुर्गे ने दाना वगैरह खा लिया, तो अब ये जो दाना है थोड़ा सा इसके अंदर पानी है, पानी जो है गिरा देते हैं नीचे, पानी देखें तो ये पानी कितना गंदा कर दिया यार, वो मुर्गे हमारे बीमार भी हो सकते हैं। ये दाना इस तरह इधर रख देते हैं, ये देखें दाना वगैरह खा लो यार खा लो। तो फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी तो आपने लाजमी बताना, फिलहाल वीडियो अच्छी लगी तो लाइक लाजमी कीजिएगा। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी तो आपने लाजमी नहीं बताना, तो फिलहाल आगे अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक लाजमी करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि यार हम काफ़ी मेहनत से वीडियो वगैरह बनाते हैं आपके लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। बस दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अभी के लिए इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखना।